हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं NIT कुरुक्षेत्र के रीओपनिंग का नोटिस आ चुका है। तो 45th मीटिंग हुई थी सेनेट की 10 दिसंबर को, और उसके बाद एक और मीटिंग हुई थी 22 दिसंबर को, जिसमें डिसाइड किया गया कि स्टूडेंट्स को कैंपस पे वापस बुलाया जाएगा, और उसकी डेट्स आ चुकी हैं। तो देखिए डेट्स है क्या। बीटेक के 8 सेमेस्टर के लिए, एमटेक के 4th सेमेस्टर के लिए, एमबीए, एमसीए और पीएचडी के लिए लिखा हुआ है। तो इन लोग को बुला रहे हैं 8th of January 2022 से, और बीटेक के 4th सेमेस्टर, एमटेक का 2nd सेमेस्टर और एमबीए का 2nd सेमेस्टर और एमसीए का 4th सेमेस्टर आ रहा है 22 जनवरी 2022। यानी बहुत ही कम दिन बच गए हैं। तो गाइस, पैकिंग स्टार्ट कर दीजिए, टिकट्स बुक करवा लीजिए। और जो कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस अभी पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये कोविड के मतलब केसेस के हिसाब से अगर बढ़ेंगे तो हो सकता है डिसीजन चेंज भी हो, लेकिन अभी के लिए ये फॉलो होगा। और जो भी स्टूडेंट फुल्ली वैक्सीनेटेड है, सिर्फ वो आ पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 72 आवर की आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लानी है। पहले क्या होता था, पहले जब खुला था इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल्स के लिए, तब तो आपको सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड होना होता था और नेगेटिव RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बारी आपको नेगेटिव RT-PCR भी मैंडेटरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़, कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। थर्ड, वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और सब तो ये है ही, और आपका कंसेंट फॉर्म, ये रहा कंसेंट फॉर्म है आपका कि आई गिव कंसेंट टू सेंड माय सन, ये सब आप भर लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई भी है, वो फटाफट लगवा लें और बस आने की तैयारी करें। और सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, NIT इज़ रीओपनिंग।